वक्ता यदि इस तरह की बात करेगा तो दुर्भाग्य होगा, ये भारतीय संस्कृति के साथ कुठाराघात होगा। और इस तरह से टिप्पणियां ना करें जब तक कोई साक्ष्य और प्रमाण ना हो। प्रामाणिकता के साथ कोई बात करें तो बहुत अच्छी बात है, बिना प्रमाण की कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी को, प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, तो इस प्रकार के टोटका टोना वाले लोग जो है वो धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन पढ़ना ठीक से नहीं करते हैं। जो करुणामयी माँ है वो राधा रानी है, तो उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी करना आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी को बचना चाहिए। एक अच्छे कथा व्यास हैं, आध्यात्मिक जगत में, सनातन धर्म में, सनातन के भूमि पृष्ठभूमि पर उनका एक विशेष महत्व है, तो ऐसे में उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। नहीं नहीं, ये कहना उनका निश्चित रूप से गलत है कि बरसाने की नहीं है। जो हमें अभी तक सिखाया गया, जो हमें अभी तक बताया गया है, तो तोड़ मड़ोड़ करके ग्रंथों से आकर के इस तरह का प्रमाण देना नितांत गलत है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के चर्चित पंडित प्रदीप मिश्रा ने हाल ही में राधा रानी के मायके और विवाह को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद वे विवादों में घिर गए। उनकी बातों पर अयोध्या के संत साधुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। अयोध्या के संत समाज का कहना है कि प्रदीप मिश्रा के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने जिस तरह का जो बयान दिया है, जिस तरह के नाम दिए हैं उन्होंने, उनके पिता के नाम, उनके पति के नाम, ये तमाम तरह को नामकरण उन्होंने किया है। अभी तक के इतिहास में, अभी तक के पुराणों में राधा रानी का बरसाना ही जाना जाता था, लेकिन उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं प्रकट किया है। और जब तक साक्षात पुराणों का, चूंकि पुराणों से बढ़कर के ग्रंथों में यदि भारतीय संस्कृति के साथ इस तरह से, और ऐसे बड़े व्यक्ति, ऐसे बड़ा वक्ता यदि इस तरह की बात करेगा तो दुर्भाग्य होगा, ये भारतीय संस्कृति के साथ कुठाराघात होगा। और इस तरह से टिप्पणियां ना करें जब तक कोई साक्ष्य और प्रमाण ना हो। प्रामाणिकता के साथ कोई बात करें तो बहुत अच्छी बात है, बिना प्रमाण की कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी को यह चीज़ें जो है भारतीय संस्कृति के पार सनातनियों के साथ कुठाराघात करने का विषय है, इसलिए उनको अपने शब्दों को और अपने वाणी को संयम के साथ जनमानस में रखने की आवश्यकता है। अयोध्या के संत समाज ने प्रदीप मिश्रा के इस बयान की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि मिश्रा का बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है और ये सत्य से परे है। प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, तो इस प्रकार के टोटका टोना वाले लोग जो है वो धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन पढ़ना ठीक से नहीं करते हैं, गुरु परंपरा से नहीं पढ़ते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग इसी प्रकार के अनर्गल प्रलाप किया करते हैं, इस प्रलाप से पाप बढ़ता है और इस प्रकार का जो है पाप वो निश्चित रूप से जनता को भी भुगतनी पड़ती है और जो कथन करने वाले हैं उनको भी भुगतनी पड़ती है। तो ये अल्पज्ञता है प्रदीप मिश्रा की और गैर जानकारी में, जानकारी के अभाव में इस प्रकार की वो बात करते हैं। राधा रानी जी सर्वेश्वरी हैं, ईश्वरी हैं और वो साक्षात भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, आद्याशक्ति हैं। उनके संबंध में इस प्रकार का वचन कहना ये बहुत बड़ा पाप। संत समाज का मानना है कि राधा रानी का स्थान बरसाने में ही है और उनकी महिमा असीम है। इस प्रकार के बयान न केवल धार्मिक अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि धार्मिक इतिहास और संस्कृति को भी विकृत करते हैं। निश्चित रूप से किसी भी आध्यात्मिक विषय में जाकर के इस तरह का टिप्पणी करना नितांत निषेध माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख पाया गया है कि राधा रानी भगवान की आध्यात्मिक कृपा थी, जिसे आप कह लिया जाए भगवान जो करुणा करते हैं, भगवान जो कृपा करते हैं, राधा रानी का वो विश्वास था और राधा रानी भगवान की कृपा हैं, श्री जी हैं। तो निश्चित रूप से कोई शारीरिक संबंध, इस तरह का प्रेम संबंध राधा रानी के और भगवान कृष्ण के बीच में नहीं था। राधा रानी तो कृपा मूर्ति हैं, कृपामयी हैं, जो करुणामयी माँ है वो राधा रानी है। तो उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी करना आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी को बचना चाहिए। एक अच्छे कथा व्यास हैं, आध्यात्मिक जगत में, सनातन धर्म में, सनातन के भूमि पृष्ठभूमि पर उनका एक विशेष महत्व है, तो ऐसे में उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बरसाना की नहीं है वो किसी, नहीं नहीं, ये कहना उनका निश्चित रूप से गलत है कि बरसाने की नहीं है। जो हमें अभी तक सिखाया गया, जो हमें अभी तक बताया गया है, तो तोड़ मड़ोड़ करके ग्रंथों से आकर के इस तरह का प्रमाण देना
नितांत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का स्वागत है हृदय से, अच्छे विद्वान हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से उन्हें बचना चाहिए, मेरी सलाह है उन्हें। इस विवाद ने धार्मिक समुदाय के बीच बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें विभिन्न संत और पुरोहित अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। देखना होगा कि इस विवाद का क्या अंजाम होता है और क्या प्रदीप मिश्रा अपनी बात पर कायम रहते हैं या इस पर कोई स्पष्टीकरण देते हैं। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।